सब्सक्राइब कीजिए वे टू सक्सेस चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल वे टू सक्सेस पर। और दोस्तों, आज आपके लिए लेटेस्ट जॉब अपडेट निकल के आता है आरपीएफ की भर्ती की तरफ से, यानी कि रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स की तरफ से। क्योंकि दोस्तों, यहां पर रेलवे में यानी कि आरपीएफ में कांस्टेबल और सब इंस्पेक्टर के पदों पर भर्ती होने वाली है। और दोस्तों, ये मेल और फीमेल दोनों के लिए भर्ती होगी। तो दोस्तों, आज इस वीडियो में बात करेंगे कि भर्ती कब से स्टार्ट होगी और इसकी ऑफिशियल नोटिफिकेशन डेट क्या होगी और इसकी स्टार्टिंग या लास्ट डेट क्या होगी और नंबर ऑफ वैकेंसी कितनी होगी। तो चलिए दोस्तों, आज इस वीडियो में आगे इसी बारे में बात करेंगे, तो बिना टाइम वेस्ट के स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, यहां आरपीएफ ने एक ऑफिशियली शॉर्ट नोटिस पब्लिश किया है, जिसमें 8619 कांस्टेबल वैकेंसी के लिए भर्ती करने की बात कही है। और दोस्तों, साथ ही सब इंस्पेक्टर के पद के ऊपर भी भर्ती होगी, जिसमें वैकेंसी दी गई है 1120 वैकेंसी। तो दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं कि कांस्टेबल के बारे में, जो कांस्टेबल की भर्ती होने वाली है उसके बारे में बात करते हैं, नंबर ऑफ वैकेंसी कितनी होगी। दोस्तों, नंबर ऑफ वैकेंसी 8619 होगी मेल और फीमेल के लिए। दोस्तों, सबसे इंपॉर्टेंट मैं बात आपको बता दूं, जो 2016 में फीमेल कैंडिडेट्स के लिए वैकेंसी निकली थी करीब 2030 की, वो वैकेंसी इसी में ही इंक्लूड कर दी गई, यानी कि जिसने वो फॉर्म भरा था 2030 वैकेंसी वाला, उसको फॉर्म भरने की जरूरत नहीं है, उसके ऑटोमेटिकली फॉर्म यहां पर इंक्लूड हो जाएंगे। यानी कि 2030 वैकेंसी थी जो दोस्तों, और जो अब है, ये सब कंबाइंड करके ये हो गई है 8619 वैकेंसी। और दोस्तों, इस बार जो सबसे ज्यादा खास बात है, और दोस्तों जो फीमेल कैंडिडेट्स के लिए बेनिफिट है, वो ये है दोस्तों, फीमेल कैंडिडेट्स को इस बार 50% का रिजर्वेशन मिला है। यानी कि अगर टोटल वैकेंसी 8619 है, तो उसकी हाफ 50% फीमेल कैंडिडेट्स के लिए है और 50% मेल कैंडिडेट्स के लिए है। तो दोस्तों, वैकेंसी कांस्टेबल की है 8619। अब बात करते हैं दोस्तों एसआई की, यानी कि सब इंस्पेक्टर की आरपीएफ में वैकेंसी। दोस्तों, इसमें भी सेम ही है, 50% मेल कैंडिडेट्स के लिए है और 50% फीमेल कैंडिडेट्स के लिए इसमें वैकेंसी रखी गई है। टोटल वैकेंसी है 1120 वैकेंसी है दोस्तों इसमें। तो अब बात करते हैं दोस्तों, जो इसकी सब इंस्पेक्टर या और कांस्टेबल के लिए एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या रहेगी। दोस्तों, जो कांस्टेबल के लिए एजुकेशन क्वालिफिकेशन इसमें रहेगी, वो रहेगी 10th पास, और सब इंस्पेक्टर के लिए रहेगी दोस्तों ग्रेजुएशन। ये अभी क्लियर नहीं है, क्योंकि डिटेल नोटिफिकेशन अभी तक नहीं आया है। सबसे इंपॉर्टेंट दोस्तों, मैं आपको बात बता दूं, काफी लोग जानने की कोशिश भी कर रहे हो कि क्या इसका नोटिफिकेशन कब पब्लिश होगा, यानी कि ऑफिशियली डिटेल्ड नोटिफिकेशन इसका कब आएगा। तो दोस्तों, मैं आपको बता दूं, जो इसका ऑफिशियली डिटेल्ड नोटिफिकेशन आएगा वो 19 और 25 मई को आएगा, यानी कि 19 तारीख को आएगा। और वो भी दोस्तों एम्प्लॉयमेंट न्यूज़पेपर आता है, यानी कि रोजगार समाचार पत्र जो आता है दोस्तों, उसमें 19 तारीख को ये पब्लिश किया जाएगा। दोस्तों, ये जो रोजगार समाचार न्यूज़पेपर होते हैं, एक हफ्ते का आता है, यानी कि एक वीक के लिए आता है, जो 19 तारीख को पब्लिश होगा और 25 तारीख तक उसमें आपको नोटिफिकेशन देखने को मिलेगा। दोस्तों, नोटिफिकेशन ऑफिशियल वेबसाइट पर भी आएगा, यानी कि रेलवे की जो आरपीएफ की ऑफिशियल वेबसाइट है, भर्ती बोर्ड की ऑफिशियल वेबसाइट है, उस पर भी दोस्तों ऑफिशियली नोटिफिकेशन पब्लिश होगा। लेकिन सबसे पहले दोस्तों 19 तारीख को ये रोजगार समाचार में नोटिस आएगा सब इंस्पेक्टर की भर्ती और कांस्टेबल की भर्ती के लिए। दोस्तों, वैकेंसी कांस्टेबल के लिए है 8619 और सब इंस्पेक्टर के लिए है 1120 वैकेंसी। दोस्तों, मेल और फीमेल के लिए 50-50% दोस्तों आपको वैकेंसी मिलने वाली है। एज लिमिट के बारे में बात करते हैं दोस्तों, कांस्टेबल के लिए एज लिमिट रहेगी दोस्तों इसमें 18 से 25, और सब इंस्पेक्टर के लिए दोस्तों इसमें 18 से, और दोस्तों इसकी लास्ट एज अभी कंफर्म नहीं है, क्योंकि दोस्तों इसका डिटेल नोटिफिकेशन अभी तक नहीं आया है। ये तो डिटेल नोटिफिकेशन में ही पता चलेगा कि इसकी लास्ट जो एज होगी, एज लिमिट कितनी होगी और कब तक इसमें कैलकुलेट होगी, यानी कि एज ऑन इसमें एज का कब तक दिया जाएगा। तो दोस्तों, वैकेंसी के बारे में अभी इतना ही पता चला है, लेकिन दोस्तों ये बिल्कुल कंफर्म है कि 19 तारीख को जो नोटिस आएगा वो 100% आएगा, उसकी कोई भी डेट एक्सटेंड नहीं की जाएगी, 19 तारीख को 100% आएगा। दोस्तों, ये ऑफिशियल नोटिस, जो शॉर्ट नोटिस आया आरपीएफ की तरफ से, आपने न्यूज़पेपर में भी देखा होगा और रोजगार समाचार पत्र में भी आया था दोस्तों, करीब ये आया था 12 अप्रैल का जो दोस्तों रोजगार समाचार पत्र न्यूज़पेपर था, सॉरी, उसमें दोस्तों ये नोटिस, शॉर्ट नोटिस आया था, और आप इंटरनेट पर भी कहीं पर देख सकते हैं, ये शॉर्ट नोटिस नीचे आपको ऑफिशियली मिलेगा, ये आपको सिग्नेचर मिलेंगे, भर्ती बोर्ड के जो कंट्रोलर है उसके सिग्नेचर मिल गए, बिल्कुल दोस्तों ऑफिशियल है, या यूपी पुलिस की तरह, ये कोई मतलब फेक नोटिस नहीं है, बिल्कुल ऑफिशियल, आप कहीं पर भी ऑफिशियल वेबसाइट या न्यूज़पेपर में जाकर चेक कर सकते हैं।
तो दोस्तों जो ये भर्ती निकल रही है ये बहुत ही जबरदस्त भर्ती होने वाली है, क्योंकि दोस्तों जो आरपीएफ में कॉन्स्टेबल या सब इंस्पेक्टर की सैलरी होती है दोस्तों वो काफी अच्छी होती है, क्योंकि दोस्तों सेंट्रल लेवल की भर्ती है ये एक तरह से। और इसकी आपको मैं बता दूं ग्रेड पे दोस्तों 2000 होगा इसका, और जो इंटरनल यानी कि इन हैंड आपकी इनिशियली सैलरी होगी करीब वो 8000 के करीब होगी, जो आपको ट्रेनिंग के दौरान इन हैंड की जाएगी। दोस्तों काफी अच्छी सैलरी है, 8000 और 2000 का आपको ग्रेड पे, यानी कि आपको 28000 के आसपास आपकी सैलरी पड़ जाएगी शुरू में, आपको 28000 के आसपास आपको सैलरी पड़ जाएगी ग्रेड पे लगा के दोस्तों, सेविंग पे कमीशन के बाद। दोस्तों सबसे इंपॉर्टेंट बात, जो ये भर्ती होगी ये भी जोन वाइज ही होगी, जैसे कि अब आरआरबी की भर्ती चली हुई है जोन वाइज दोस्तों, जैसे कि नॉर्थ रीजन, साउथ रीजन, इस तरीके से दोस्तों भर्ती होती है आरपीएफ की भी। तो दोस्तों अभी इतनी ही जानकारी मिल पाई है, क्योंकि दोस्तों शॉर्ट नोटिस अभी पब्लिश हुआ है, इसमें इतनी ही जानकारी थी वैकेंसी के बारे में थी। दोस्तों अब इसकी स्टार्टिंग डेट भी 19 तारीख को नोटिफिकेशन आ जाएगा डिटेल, इसमें दोस्तों इसकी स्टार्टिंग डेट, लास्ट डेट, एजुकेशन क्वालिफिकेशन, रिटन एग्जाम की डेट, दोस्तों फिजिकल के बारे में, फिजिकल प्रोसेस, सिलेक्शन प्रोसेस, सब कुछ पता चल जाएगा। और दोस्तों जब भी इसका ऑफिशियली डिटेल नोटिफिकेशन आ जाएगा तो दोस्तों मैं आपके लिए एक वीडियो लेकर आऊंगा, जिसमें आपको पूरी डिटेल से आपको इसके बारे में एक एक पॉइंट समझाऊंगा। तो दोस्तों इस वीडियो में तो इतना ही था, अगर आपको वीडियो पसंद आई तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए और लाइक करिए। और दोस्तों सबसे जरूरी बात, अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले आप चैनल सब्सक्राइब जरूर कर ले, क्योंकि दोस्तों आपको एक ही चैनल पर गवर्नमेंट जॉब से जुड़े हर अपडेट, जैसे कि एडमिट कार्ड, रिटन एग्जाम, लेटेस्ट अपडेट, नोटिफिकेशन, डिटेल्ड नोटिफिकेशन, एग्जाम रिव्यू, आपको एक ही चैनल पर मिल जाते हैं। तो इसलिए दोस्तों चैनल सब्सक्राइब जरूर करें। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही था, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।